माना जाता है कि बारिश का मौसम प्रकृति को जानने के लिए बेहद ही मुफीद होता है, और इसीलिए आइए दोस्तों हम आपको भी लेकर चलते हैं अब सीधा घाटी की ओर, पहाड़ों की ओर। हर इंसान अपने आप को प्रकृति से खुला देता है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच हमारा पहला पड़ाव है इको पर्यटन केंद्र गांगुलपारा। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं गांगुलपारा डैम की ओर, जो कि बालाघाट जिले की एक खास पहचान है युवाओं के बीच, महिलाओं के बीच, बच्चों के बीच और यहां के तमाम नागरिकों के बीच। पहाड़ों पर दिखाई दे रहा बादलों का नज़ारा और तालाब के किनारे मौजूद पर्यटक, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बालाघाट ज़िले के लिए गांगुलपारा अपने आप में कितना महत्व रखता है। और छुट्टी का दिन हो और इंजॉयमेंट न हो तो ऐसा संभव नहीं है। शायद यही वजह है कि नगर पालिका के कर्मचारी भी आज गांगुलपारा की इस खूबसूरत वादियों में, यहाँ के खूबसूरत तालाब में भ्रमण के लिए आए हुए हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। क्या कहेंगे पांडे जी? और यहाँ पर दूर दूर से लोग भी आते हैं। ये हमारे ज़िले की सबसे अलौकिक जगह है। गांगुलपारा अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे हुए है और ये इसीलिए खास है क्योंकि यहाँ पर न केवल झरने हैं, पर्वत है, पहाड़ है, बल्कि यहाँ पर एक खूबसूरत डैम है और ये डैम ही है जो लोगों को अपनी ओर हमेशा आकर्षित करता है। ये कश्मीर या फिर शिमला की बर्फीली घाटियाँ नहीं है, ये गांगुलपारा की घाटी है और इस समय आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये गांगुलपारा का डैम है। दरअसल पहाड़ों पर जो धुआं धुआं सा आपको नज़र आ रहा था, ये बादल है जो पहाड़ों पर इस समय उतर रहे हैं। बारिश का मौसम वैसे भी बादलों के लिए और प्रकृति प्रेमियों के लिए काफ़ी मुफीद होता है। ऐसे मौसम में लोग अक्सर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को या फिर प्रकृति को करीब से जानने के लिए पहुंचते हैं और यही वजह है कि आज मेरे पीछे में आप जो देख रहे हैं ये पर्यटक आसपास से इस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ट्रेकिंग करके लाया जाता है और इस तरह से कागज़ खोलने के बाद ये ब्रेड पकौड़ा आप देख रहे हैं, काफ़ी यम्मी है और साथ में कढ़ी है, जीरे के तड़के वाली ये कढ़ी और आलू के साथ मिक्स ये ब्रेड पकौड़ा काफ़ी लजीज भी है और काफ़ी स्वादिष्ट। ये सुहाना मौसम और ये खूबसूरत वादियाँ, बालाघाट के इस घाटी पर चार चांद लगाने के लिए पहुँचे पर्यटक, ये बताने के लिए काफ़ी है कि यह जगह बारिश के इस मौसम में, सावन के इस महीने में बेहद ख़ास है और यही वजह है कि यहाँ पर पर्यटक अपने आप को पहुँचने के बाद, व्यू पॉइंट में पहुँचने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ की वादियाँ, यहाँ की खूबसूरती उन्हें बरबस ही अपने ओर खींच लाती है। जिस तरह से लोग यहाँ पर मौसम के इस सुहाने पल को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ की वादियों को, यहाँ की घाटियों को अपने सेल्फी में कैद करके अपने आँखों से इस दृश्य को देख रहे हैं, उसका कुछ और ही मज़ा है। कुछ पर्यटकों की ओर मैं आपको ले चलूँगा और उनसे समझूँगा कि आखिरकार वो इस खूबसूरत से मौसम में, इस सुहाने मौसम में किस तरह से महसूस कर रहे हैं यहाँ की वादियों को और प्रकृति के इन सुरम्य नज़ारों। हम बाला गुंजा से आज सवेरे निकले हैं और काफ़ी मतलब सुहाना मौसम और प्रकृति की जो छटाएँ है यहाँ पे वाकई अद्भुत है और प्रकृति की ये छटा देख के मतलब दिल क्या बोल सकते हैं, गार्डन गार्डन हो गया। रविवार का दिन था, छुट्टी के दिन लगभग सभी लोग घर में होते हैं और उसी छुट्टी का आनंद उठाने के लिए हम अपने घरों से अपने दोस्तों के साथ जो कि गोंदिया से आए हैं, महाराष्ट्र से, उनके साथ निकले और उनको हमने इस प्रकृति का जो अद्भुत दृश्य है यहाँ दिखाया कि चलो हम आपको बालाघाट की इन वादियों में घुमाते हैं और हम बालाघाट की इस प्रकृति के अद्भुत नज़ारे को आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे बालाघाट की प्रकृति
इस सुंदर सा दृश्य है, कैसा ये बालाघाट की प्रकृति का सुंदर दृश्य आपको उससे रूबरू कराते हैं। ये बालाघाट है और बालाघाट में ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपको जगह जगह दिखाई देते हैं, क्योंकि बालाघाट वो इलाका है मध्य प्रदेश का जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को जोड़ता है। बालाघाट की खूबसूरती न केवल इन घाटियों में समाहित है, बल्कि यहाँ की परंपराएं हैं, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की आदिवासी परंपराएं भी काफ़ी हद तक बालाघाट की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। और यही वजह है कि आज प्रकृति के बीच हम जब चारों दोस्त, मैं स्वयं चितरंजन नेरकर, आशीष श्रीवास और पंकज ढहरवाल, आज प्रकृति के बीच प्रकृति को करीब से जानने के लिए, प्रकृति के नियमों को समझने के लिए, प्रकृति के नज़ारों को जानने के लिए जब इस स्पॉट पर पहुँचे हैं, जब इस घाट पर पहुँचे हैं, तो अपने आप को प्रकृति के मुफीद होने से रोक नहीं पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस ब्लॉग को आप अपने और भी दोस्तों, यारों और सहपाठियों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और साझा करके उन्हें भी बालाघाट की इस खूबसूरत वादियों के बारे में जानने और समझने का मौका दें।